आप देख रहे हैं WTV UHD। वासिफ अली वासिफ मरहूम की याद में फैसलाबाद प्रेस क्लब में सेमिनार बाउनवान मकसद हयात और हम मुनाकिद किया गया। मेहमान खुसूसी साहिबजादा काशिफ महमूद ने अपने वालिद गरामी हजरत वासिफ अली वासिफ मरहूम की हमा पहलू शख्सियत पर रोशनी डाली। ये जो औली अल्लाह है, ये इनकी एक छोटी सी खिड़की खुली रहती है इनके जाने के बाद भी। आप कहते थे जिंदा वो जो दिल में उतर गया, जिंदा वो जो दिल में उतर गया और मुर्दा वो जो दिल से उतर गया। कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा हैं। सदर प्रेस क्लब और मेजबान तकरीब शाहिद अली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, बाबा जी को जब पढ़ा सरकार ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा मकासद ना करो किसी एक मकसद को लेकर, कोई एक काम उस पर पूरी इस्तकामत के साथ कायम हो जाए और वो करते रहे। जिंदगी तो बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है आपकी। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने मौजू का अहाता इन अल्फाज में किया। सिर्फ दो लफ्जों में उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी का असल जो मकसद है वो है सजदा और खिदमत। उन्होंने फरमाया था कि खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, और लानत है वो ताकत जो कमजोर की हिफाजत नहीं करती। तकरीब में मुफक्कर एजाज अहमद और हाफिज मोहम्मद अली आबिद ने भी खताब किया। तो उसने कहा कि वो कहता है मैं शहरक के करीब हूं। मैंने कहा बाबा मैंने तो पूछा है कि मैं कहां हूं, तो कहता है मैं झूठा हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, वो कहता है कि मैं शहरक के करीब हूं। मुख्तसर मगर जामे अंदाज में मकसद हयात और हम को एक्सप्लेन किया। तकरीब में शहर के सहाफियों ने भरपूर शिरकत की और प्रेस क्लब में होने वाली इस इल्मी और अदबी तकरीब को खुश आइंद करार देते हुए सिलसिला जारी रखने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरामैन साकिब वकील के साथ रिजवान हमदल, लाहौर रंग, फैसलाबाद।